हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे और खुशहाल होंगे। और कल वीडियो नहीं आया, उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैं थोड़ा सा बिजी थी और ये वीडियो है सैटरडे का ही, सुबह से मैंने शुरू किया है। एक्चुअली सैटरडे 29th को मेरा अपॉइंटमेंट था डॉक्टर के साथ। पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है, कुछ टेस्ट वगैरह करवाने हैं। तो शर्मा जी और मैंने जाना था, तो उनके और मेरे लिए मैं बना रही हूँ यहाँ पर ब्रेकफास्ट। और एक बहुत ही आसान वाले वेज सैंडविच हैं, और बहुत ही आसान है। इसकी रेसिपी मैं आपको दे देती हूँ, ऐसा सच कोई रेसिपी नहीं है, आप इन्हें दिल्ली स्टाइल सैंडविच भी कह सकते हैं। आपको इसके लिए चाहिए सिर्फ कुकुम्बर, थोड़े से ऑनियंस और थोड़े से टमेटोज़। इनको इस तरह थोड़ा स्लाइस टाइप काट लीजिए। और एक उबला आलू ले लिया है मैंने। ये दिल्ली स्टाइल सैंडविच है और मोरलेस काफ़ी हद सेम, बस उसमें बीट रूट भी डलता है, उन्हें कहते हैं बॉम्बे स्टाइल सैंडविच। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं दिल्ली वाले। मैंने यहाँ पे ले लिया आटा ब्रेड और इसके स्लाइस ले लेने हैं आपको। सैंडविच के लिए 2 स्लाइस लेना है और थोड़ा सा ना बटर लगा दीजिए एक साइड पर। और इस साइड पे हम लगाने वाले हैं सारी सब्जियाँ वगैरह, तो एक तरफ थोड़ा सा बटर लगा दीजिए और इसके ऊपर फिर हम लोग स्टैक करेंगे सारी वेजिटेबल्स। और मेरे पास थोड़ी सी हरी चटनी रखी ही थी, हरी चटनी से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। जैसे नॉर्मली हम लोग सैंडविच को लेयर करते हैं, बिल्कुल वैसे ही कर लीजिए। जिस ब्रेड के ऊपर आपको स्टैकिंग करनी है, सामान रखना है, उसको थोड़ा सा पहले बटर लगा लीजिए जिससे वो सॉगी नहीं होंगे। और इसके बाद इसके ऊपर एक लेयर लगा दीजिए चटनी का, ग्रीन चटनी है ये। और इसके बाद जो वेजिटेबल्स हैं, मैंने यहाँ पर प्याज को इस तरह काट काट के ले लिया है। अदरवाइज़ जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं ना, जो स्ट्रीट स्टाइल फूड बेचते हैं ना, वो लोग तो इस तरह नहीं करते, वो लोग ऐसे ही प्याज को ऐसा काट लेते हैं एक स्लाइस और वैसे सजा देते हैं। तो आपकी मर्जी, आप कैसे भी डाल सकते हैं। इट्स जस्ट दैट वी वांट ऑनियंस। उसके ऊपर चाहिए टमाटर, टमाटर अच्छा पका हुआ लीजिएगा, अच्छा लगता है वो। और इसके बाद खीरा का स्लाइसेस एंड वी आर डन। और हाँ, रह गया उबला हुआ आलू, तो सबसे ऊपर उसको हम लोग लगाएंगे और बस हो गया। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा स्प्रिंकल करने वाली हूँ सैंडविच मसाला। नहीं है आपके पास तो आप चाट मसाला स्प्रिंकल कीजिएगा। और इसके बाद जो दूसरी आपकी ब्रेड की स्लाइस है, इससे इसको कवर कर दें और एज़ इट इज़ ये खाने के लिए तैयार है। एक और वेरिएशन आप यहाँ ट्राई कर सकते हैं, आप चाहें तो ऊपर से ना चीज़ डाल दीजिए, प्रोसेस चीज़, और इसे चाहें तो ग्रिल भी कर सकते हैं। बट यूजुअली ये इसी तरह खाया जाता है, वेजिटेबल सैंडविच। और ये हेल्दी भी है पर क्विक तो बहुत ज़्यादा है। जब आपको कुछ ना सूझे तो आप ये फटाफट बना के खा सकते हैं। आपने इन्ग्रीडियंट्स भी देखे कितने कम लगते हैं। तो जो थोड़ा बहुत खीरा और टमाटर बच गया है, वो मैंने थाली में ही साइड में ले लिया है। मैं फटाफट से बनाने लगी हूँ एक सब्ज़ी भी, जिससे दोपहर में मुझे ज़्यादा काम ना रहे। और मैं बोल रही हूँ फटाफट, तो यानी कि सच में ये सब्ज़ी फटाफट में बनने वाली है। ये एक बहुत ही अच्छी टिफ़िन बॉक्स सब्ज़ी हो सकती है। यहाँ मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है कढ़ाई के अंदर, और ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें ऐड करेंगे जीरा। बेसिकली मैं बना रही हूँ एक बेसिक सा आलू गोभी फ्राई, और इसमें मैंने ऐड किया है जो सैंडविच से थोड़ा बहुत प्याज बच गया था वो भी, और थोड़े से स्प्रिंग अनियंस। आप चाहें तो प्याज ले लें या सिर्फ स्प्रिंग अनियन ले लें, या इस तरह कॉम्बिनेशन कर लें, या तो ना ही डालें अगर आपको प्याज नहीं पसंद है। इट इज़ बेसिकली आलू गोभी फ्राई, तो सिर्फ आलू गोभी से बन जाती है ये सब्ज़ी। बहुत ही इंस्टेंट और क्विक है। तो क्योंकि मैंने प्याज डाले हैं तो मैंने थोड़ा सा पकाऊंगी, बहुत ज़्यादा नहीं पकाने वाली हूँ। बिल्कुल थोड़ा सा पका के मैं इसमें छोटे कटे गोभी और आलू के टुकड़े डाल दूँगी, क्योंकि ये हम बना रहे हैं आलू गोभी फ्राई, तो इसमें पानी वानी नहीं डालूँगी मैं, ऐसे ही फ्राई करना है। इसलिए इसमें जो सब्ज़ी के चंक्स हैं वो छोटे रखिएगा। और मसालों में सिर्फ धनिया और हल्दी का पाउडर मैंने ऐड किया है, थोड़ा सा नमक मिला रही हूँ। इसमें हरी मिर्चें डाली है मैंने, इसलिए लाल मिर्चें नहीं डाल रही हूँ। बस इन चीज़ों को मिक्स कर लीजिए और छोटा छोटा काटिएगा, सब्ज़ी फटाफट बन जाएगी बिना पानी डाले। इसको अब हम पकाएंगे, क्योंकि इसमें नमक डाल दिया है ना, तो आलू और गोभी का वाटर एंड ऑल्सो प्याज भी है इसमें, तो सभी सब्जियों का वाटर रिलीज होगा। उतना ही वाटर इनफ है इस सब्ज़ी के लिए। तो सब्ज़ी फ्राई हो रही है, पक रही है मीडियम फ्लेम पर, तब तक मैं आटा तैयार कर लूँगी। और ये सब्ज़ी एकदम इंस्टेंट है, बहुत अच्छी साइड डिश है, लंच बॉक्स रेसिपी हो सकती है। और बच्चे, मेरे बच्चे तो आराम से खा लेते हैं, तो मैं उनको दे देती हूँ इस तरह की फ्राइड सब्जियाँ टिफ़िन बॉक्स में।
और यहाँ पर मेरी एक क्लिप मिस हो गई, आप देख रहे हैं इसके ऊपर एक मसाला पड़ा हुआ है, ये क्लिप रिकॉर्ड नहीं हुआ। बेसिकली ये है मैगी मसाला, आधा पैकेट मैगी मसाला मिलाया है मैंने इसमें, और चाहे तो थोड़ा गरम मसाला मिला लीजिए, वैसे ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद थोड़ा सा आमचूर का पाउडर, और बस इस सब चीज़ों को आलू गोभी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपने डालना है मैगी का मसाला और आमचूर, वो डालेंगे आप तब जब आपके आलू और गोभी अच्छी तरह पक चुके होंगे, क्योंकि आमचूर है ना वो खटाई है और फिर वो आलू गोभी को पकने नहीं देगी अगर आप मिडवे उसको ऐड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ आलू गोभी बहुत अच्छे सॉफ्ट कुक हो गए हैं, एक बार अच्छी तरह कुक हो जाएंगे तो ही लास्ट में फिर सब्ज़ी को फिनिश करने के लिए आप डाल सकते हैं गरम मसाला, मैगी मसाला, आमचूर मसाला, नींबू, जो भी आपको अच्छा लगता है, एंड ऑफ कोर्स हरा धनिया। तो सब्ज़ी तो रेडी हो गई है, मैंने यहाँ क्योंकि आमचूर मसाला डाला है, आमचूर का पाउडर, इसलिए यहाँ पे मैंने नींबू नहीं डाला है, इन दोनों में से किसी एक ही का इस्तेमाल करना है। सब्ज़ी हो गई है रेडी। तो बस अभी थोड़ी देर पहले शर्मा जी और मैं आए हैं रिपोर्ट्स लेकर, रिपोर्ट्स आ गई हैं मेरी। तो एक्चुअली आज सुबह में हम लोग गए थे हॉस्पिटल, आज 29th को मेरा मैमोग्राफी था, और सुबह में हम लोग गए थे, मतलब इतना अर्ली मॉर्निंग भी नहीं गए थे, बट देन मैमोग्राफी के लिए जो वो एनरोल कराना पड़ता है ना, हालांकि मैंने अपॉइंटमेंट कल ही ले लिया था, पर फिर भी वहाँ पे वेटिंग तो रहती है, तो वेटिंग देन प्रोसीजर, उसके बाद फिर से सेकेंड राउंड था सोनोग्राफी, तो वो प्रोसीजर वेटिंग सब मिला के आराम से लगभग 4-4.5 घंटे हम लोग को हॉस्पिटल में ही हो गए। और इस चक्कर में मेरा और शर्मा जी का लंच नहीं हुआ है, लंच स्किप किया हम लोगों ने, और अभी टाइम हुआ है लगभग 4:30, आप देख सकते हैं लगभग 4:30 बज गए हैं एंड स्टिल हम लोगों ने कुछ खाया नहीं है। तो अभी तो मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है, तो मैं अभी कुछ खाने के लिए बनाऊंगी। हालांकि गोभी की सब्ज़ी रखी हुई है, पर मैं अभी रोटी नहीं बनाना चाहती, बहुत गर्मी लगती है, आप मेरी हालत भी देख रहे हैं, यहाँ तो इतना ना टेम्परेचर बढ़ गया है अभी से, इट्स जस्ट नॉट फील लाइक कि अभी फेब्रुअरी है, ऐसा लग रहा है जैसे कि मई आ गई हो, इतनी गर्मी है बाहर। तो मैं कुछ ऐसा बनाऊंगी कि मैं आराम से फ़ैन चला के बना सकूँ, रोटी नहीं सेक सकते फ़ैन चला के, इसे रोटी नहीं बना रही हूँ मैं। तो पहले कुछ खा पी ले, रिपोर्ट और रिपोर्ट्स के बारे में आई जस्ट डोंट वॉन्ट टू कीप यू परप्लेक्स्ड, रिपोर्ट्स अच्छे हैं, पर उसमें जो है जैसा है वो मैं आपको बाद में अच्छे से दिखा दूँगी खोलकर इसको। तो पहले तो टेस्ट पे लग गए 4 hours, और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि रिपोर्ट कलेक्ट करने के लिए बाद में आना होगा। तो 1.5 घंटे बाद फिर वापस मैंने हॉस्पिटल कॉल किया, तो उन्होंने कहा कि अभी आपके रिपोर्ट्स बन गए हैं, एक्चुअली दे आस्क्ड मी टू कॉल आफ्टर 1 hour, तो 1.25 घंटे बाद मैंने कॉल किया, तो उन्होंने कहा कि रिपोर्ट्स तैयार हैं। तो उसके बाद फिर अभी रिपोर्ट्स लेकर आए हैं, और अभी आई एम फीलिंग रिलैक्स, आई जस्ट कांट इवन टेल यू कि क्या हालत होती है। थोड़ा सा मुझे अभी फिर से वापस अपनी गायनेक के पास जाना तो पड़ेगा, थोड़े मेडिसिन वगैरह लेने पड़ते हैं, बट देन ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे डरा जाए, आप सबकी प्रेयर्स काम कर गई, थैंक यू सो मच गाइज। एक्चुअली मैं आपको दिखाई देती हूँ, जब मैं इतनी बात कर ही रही हूँ तो मैं आपको रिपोर्ट दिखा देती हूँ। एक्चुअली यहाँ पर कुछ एक्सरेज हैं, ये नहीं दिखा रही हूँ मैं आपको, रिपोर्ट आपको दिखा देती हूँ क्या लिखा आया है उसमें, आप चाहे तो स्क्रीन पॉज करके पढ़ सकते हैं, हालांकि ये लैंग्वेज सबको समझ नहीं आती है, ओनली थिंग टू पे अटेंशन इज जस्ट अ सेकेंड इज दिस, मुझे जो सिस्ट मिला है वो है कैटेगरी 2 का, और कैटेगरी 2 है बिनाइन फाइंडिंग्स की, यानी कि देयर इज़ सर्टनली अ लंप, लेकिन वो बिनाइन है, देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। इस रिपोर्ट के हिसाब से 9x4 mm का एक बिनाइन सिस्ट है, और दूसरे साइड पे 8x6 mm का है, और 3-4 स्मॉल सिस्टिक चेंजेस हैं, बट ऑल दिस बिलोंग्स टू कैटेगरी 2, तो इसलिए डरने की कोई बात नहीं है, और देन मैं इसे लेकर अपने गायनेक के पास जाऊंगी ही, बिकॉज उन्होंने मुझे रेफ़र किया था, तो ऑब्वियसली शी नीड्स दीज रिपोर्ट्स, तो वो इन्हें देखकर मुझे फ़र्दर बताएंगी, हालांकि उन्होंने मुझे मेडिसिन दिया था। तो अगर आप में से कोई लोगों को एक्सपीरियंस है मैमोग्राफी का, भगवान ना करे किसी को करना पड़े, बट मैमोग्राफी में ना दे लाइक
प्रेस योर यू नो ऑर्गन्स और इट मे कॉज पेन इफ़ यू हैव डेंस ट्यूमर लाइक समथिंग. तो इसलिए मेरे डॉक्टर ने मुझे टैबलेट्स दिए थे जिससे वो सभी जो सिस्ट हैं जो ट्यूमर टाइप्स हैं ना वो थोड़ा सा ईज आउट हो सके सो दैट पेन में बहुत ज़्यादा अनबियरेबल सिचुएशन ना हो जाए. बट यार अगेन मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था, मैं फिर से कह रही हूँ, जो डेवलप्ड नेशंस हैं ना वहाँ पे तो इट इज़ लाइक मैंडेटरी बॉडीली चेकअप कराना. बट यहाँ इंडिया में और ऐसे ही और दूसरे देशों में ना हम लोग हमारी हेल्थ को बहुत ही ज़्यादा लाइटली लेते हैं. जब तक अच्छा चल रहा है तो बस चल रहा है. इनफैक्ट थोड़ी मोड़ी कोई डिजीज़ भी हो जाए तो भी स्पेशली तो फीमेल्स आई एम टेलिंग यू नहीं जाते डॉक्टर के पास. बिकॉज क्या है, बहुत सारे नुस्खे हमें पता हैं और करते करते बहुत सारी दवाइयों के नाम भी हमें पता चल जाते हैं तो हम खुद के ही डॉक्टर बन जाते हैं. बट कुछ चीज़ें लाइफ में बताकर नहीं आती, इसलिए हमेशा थोड़ा भी आपको कुछ डाउट हो किसी भी चीज़ के बारे में एंड स्पेशली और बॉडी के बारे में, बिकॉज जान है जहान है, ये बॉडी जब तक है तब तक ही हम हैं, तभी तक ये सुंदर संसार है, तभी तक ये सारे रिश्ते नाते यू नो सब कुछ है तब तक जब तक ये बॉडी है. एक बार यू नो जान छोड़ देगी शरीर तो उसके बाद कुछ नहीं है, कुछ नहीं रहता है उसके बाद. इसलिए अपना ध्यान ज़रूर रखिए, छोटा मोटा कुछ भी होता है ज़रूर डॉक्टर को दिखाइए. इनफैक्ट लास्ट वीडियो में मुझे कितने सारे कमेंट्स आए थे कि आपके हस्बैंड सपोर्टिव हैं, आपको लेकर जा रहे हैं. मेरे हस्बैंड तो सुनते ही नहीं, सासू मॉम कहती है कि सब अपने आप ठीक हो जाएगा. गाइस सब अपने आप ठीक नहीं होता है, कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारी बॉडी सेल्फ हील कर लेती है लेकिन हर चीज़ नहीं कर सकती. यू नीड टू टेक एक्सपर्ट एडवाइस, इसलिए ज़रूर जाइए. अगर मैंने ये टेस्ट नहीं कराया होता तो आप समझ सकते हैं मेरी हालत क्या होती. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पेन एंड ऑल, लेकिन मुझे एक टेंशन का माहौल रहता है. और आज कुछ भी नहीं बदला है, आई स्टिल हैव दैट सिस्ट. वो थोड़ा बहुत जो अनकम्फर्टेबल मुझे फीलिंग आ रही थी वो अभी भी है, लेकिन इट्स जस्ट दैट कि टेस्ट मैंने करा लिए, टेस्ट आ गए हैं, रिपोर्ट्स आ गई हैं, इट्स क्लियर. तो मेरा दिल पे कितना मुझको ईज़ मिल रहा है ना, कितना मुझे हल्का लग रहा है ये मैं ही जानती हूँ. इसलिए स्पेशली यू फीमेल्स, ऑल माय डियर फ्रेंड्स एंड सिस्टर्स, प्लीज़ अपनी हेल्थ को लाइटली मत लीजिए. एंड स्पेशली जब आप 30+ हैं, जैसे जो अभी मेरा एज है तो अभी मुझे भी और आप जो सब भी 30+ हैं थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए. ऐसे ही बिना ज़रूरत के भी चेकअप करा लिया कीजिए. So many of you have suggested me about Radio Garden. बहुत सारे comments में Radio Garden के बारे में मुझे suggestion मिली और मैंने वो download किया है और सच में बहुत अच्छा वाला app है. Thank you so much. I am ardent lover radio. मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ. तो अगर आप भी radio पसंद करते हैं तो as suggested by my subscribers, Radio Garden आप देख सकते हो, अच्छा है वैसे तो वो. एंड अगैन गाइज मैं आपको देख नहीं सकती, अभी भी आपको लग रहा है मैं आपको देख के बात कर रही हूँ पर मेरे सामने कैमरा है. मैं सिर्फ आप सबको इमेजिन करती हूँ, मैं वो सारे नाम उन और बहुत सारे नेम्स के आगे फ़ोटोज़ होते हैं वो सब इमेजिन करती हूँ. आई फील सो हैप्पी, सो ब्लेस्ड. इस YouTube ने मुझे इतने सारे दोस्त दिए हैं हु केयर्स फॉर मी, जो मेरी हेल्थ के लिए मेरी हैप्पीनेस के लिए कंसर्न है. आई एम सो थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू. और शर्मा जी तो इतने खुश हो गए ना न्यूज़ पढ़ के, वो मिठाई के डब्बे लेकर आए हैं. ही सो हैप्पी, इवन आई एम सो रिलैक्स. और ये आप देख रहे हैं बिस्लरी. एक्चुअली कल हमारा प्योरीफायर भी ख़राब हो गया, उसमें जो प्योरीफायर होता है ना उसमें वॉल्व टाइप की कोई चीज़ होती है तो वो है ना ख़राब हो गया था, तो उसकी सारी बॉडी में से पानी गिर रहा था. दिस इज़ वॉल्व बॉडी समथिंग समथिंग. तो फ़ोन किया था, भैया आए थे और वो ये डाल के गए, अभी प्योरीफायर ठीक हो गया. पर कल पूरी रात पानी नहीं था तो फिर ये 6 bottles रात को शर्मा जी लेकर आए थे. तो मैं बनाने वाली हूँ, आप इसे बोल सकते हैं पिज़्ज़ा सैंडविच या नॉर्मल सैंडविच. इसके लिए थोड़े से प्याज मैंने अभी काट लिए हैं, हरी मिर्ची काट ली है, ये है रेड कैप्सिकम, ये है येलो कैप्सिकम. इन दोनों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप ग्रीन कैप्सिकम से काम चला सकते हैं. इट्स जस्ट दैट कि मैं मार्केट गई थी तो मुझे ये मिले थे तो मैं एक ये और एक ये लेकर आई थी, 70 rupees के पड़े थे मुझे, शौक में लेकर आई हूँ. पर इसकी ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मल कैप्सिकम भी ले सकते हैं. बेसिकली मैंने बोला पिज़्ज़ा सैंडविच तो पिज़्ज़ा में आपको जो जो चीज़ें आपको पसंद आती हैं ना वो सब आप यहाँ ले सकते हो. आप ऑलिव्स ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं, लाइक एवरी सिंगल थिंग जो आपके पिज़्ज़ा में डालना पसंद करें वो सब्ज़ियाँ ले लीजिए. अब इस सबको ना एक फिलिंग तैयार करना है हमको.
तो ये जितनी भी प्रेपरेशन हम लोगों ने तैयार करके रखी है, इसका बनाना है एक स्टफिंग। मैंने कढ़ाई में लिया है थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, आप चाहें तो कोई भी ऑयल ले सकते हैं, चाहे तो मत लीजिए, लेकिन थोड़ा सा ना पका लेंगे सब्ज़ी को तो फिर अच्छा रहेगा, बिकॉज सैंडविच है इसमें सब्ज़ी बहुत ज़्यादा कुक नहीं होगी। यहाँ मैंने सबसे पहले ऐड किया है प्याज। प्याज को थोड़ा थोड़ा सा ना, जैसे मैं उसको स्पैचुला मार रही हूँ, थोड़ा खोल लीजिए और इसके बाद ऐड कर दीजिए सभी चीज़ें, जैसे कि मैंने येलो और रेड बेल पेपर्स और हरी मिर्चें साथ ही ऐड कर दी हैं, और ऐड कर दिया है यहाँ पे स्वीट कॉर्न भी। और बस इतनी ही सब्ज़ियाँ मैं लेने वाली हूँ, आप जो सब्ज़ियाँ लेना चाहते हैं उस हिसाब से डाल दीजिएगा। टमाटर अगर आप लेना चाह रहे हैं तो टमाटर मत ऐड कीजिएगा यहाँ पे, वरना आपकी सारी स्टफिंग मशी हो जाएगी। और इसमें ऐड करना है आपको चिली फ्लेक्स और पिज़्ज़ा सीजनिंग और थोड़ा सा मैगी मसाला, बस हो गया। इसको ज़्यादा कुक आपको करना नहीं है, ये वेजिटेबल्स क्रंची ही होनी चाहिए। इट्स सच दैट कि एक्स्ट्रा मॉइस्चर हम इसका उड़ा रहे हैं। गैस बंद करके भी थोड़ी देर मैं इसको चलाती रहूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती सब्ज़ियाँ जल जाएँ। ये सब्ज़ी अभी ठंडी होने के लिए मैंने रख दी है, इसमें बाद में मिलाना है चीज़। मीनवाइल मैं यहाँ पे एक मेयोनीज़ और टोमेटो केचप की एक ड्रेसिंग जैसे तैयार कर रही हूँ। मार्केट से लाए हुए सैंडविचेस जो होते हैं, आपने नोटिस किया हो तो उसमें इस तरह की एक डिप होती है जिसमें सारी सब्ज़ियाँ कोटेड होती हैं, वो बेसिकली यही होता है। तो इसमें आप एक वेरिएशन ट्राई कर सकते हैं कि इस तरह से ये डिप बना लीजिए और फिर जितनी भी सब्ज़ियाँ हैं वो उसमें ड्रेस कर लीजिए और फिर उनको यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ जैसे मैं कर रही हूँ आप इस तरह कर सकते हो। तो ये जो स्टफिंग है ना हमारी, ये ठंडी हो गई है तो इसमें मैंने मिलाया है चीज़। गरम में मत डाल दीजिएगा, वरना तो आपका चीज़ यहीं पर पिघलना शुरू हो जाएगा। तो ये थोड़ा ठंडा हो जाए, इसके बाद मिलाइए चीज़। अब मैं बच्चों के लिए एक वेरिएशन बना रही हूँ, तो मैंने क्या किया है, थोड़ा सा ये जो स्टफिंग है ये लेकर मेयोनीज़ वाला जो डिप हमने तैयार किया था ना उसमें मिला दिया है, और ये एक बहुत अच्छा स्टफिंग तैयार हो जाता है। अब यहाँ पे स्टफिंग तो हमने बनाई है एक ही, लेकिन इससे तीन तरह के सैंडविचेस आप बना सकते हो, मतलब स्लाइट वेरिएशन वाले बनेंगे, सेम ही पर स्लाइट वेरिएशन होगा। तो ये जो स्टफिंग है एज इट इज़ इसको हम यूज़ करेंगे, और एक जो अभी डिप में जो स्टफिंग मिक्स कर दिया है ना एक सैंडविच में उसको यूज़ करेंगे। तो सैंडविच जिस तरह बनाते हैं नॉर्मली, पहले स्लाइस के ऊपर लगा दीजिए थोड़ा सा बटर, और उसके बाद जो भी आपकी स्टफिंग है वो आप इसके ऊपर लाइन कर दीजिए। और जो टॉप मोस्ट स्लाइस है उसके ऊपर भी थोड़ा सा बटर लगा दीजिए, इससे बहुत अच्छा ग्रिलिंग इफेक्ट आएगा इसको, थोड़ा बटर ही काफ़ी है। और बस इसको प्री हीटेड ग्रिलर में आपको कुक करना है। और इस ग्रिलर के बारे में आप लोग मुझे पूछ रहे थे, मैंने बताया था ये मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट दिया है, और परफॉर्मेंस वाइज ये बहुत अच्छा है। मैंने इसके अंदर दो ही सैंडविच रखे हैं, पर कैपेसिटी इसका चार का है, चार भी रखे जा सकते हैं। बहुत अच्छा इसका परफॉर्मेंस है, और बहुत ही इवन आउट ग्रिलिंग इफेक्ट आता है। आप देखिए बहुत, आई एम लाइक वेरी हैप्पी विद दिस। तो एक और वेरिएशन आप जो ट्राई कर सकते हैं वो ये कि जो स्लाइसेस हैं ब्रेड के वो ले लीजिए, और इसके ऊपर सबसे पहले ऑब्वियसली हम लोग लगाएंगे बटर। बटर इसलिए लगाया जाता है जिससे नीचे की जो तह है ना सैंडविच की, नीचे की लेयर, ये सॉगी ना हो जाए। ज़रा सा बटर लगा लेने के बाद हम इस पर लगाने वाले हैं पिज़्ज़ा सॉस। जी हाँ, इसमें जो स्टफिंग है वो पिज़्ज़ा वाली है, तो सॉस डालेंगे ना तो और ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करेगा टेस्ट को। तो एक हो गया मेयोनीज डिप वाला, एक हो गया बेसिक आप जो नॉर्मल डाल सकते हैं। इसमें हरी चटनी अच्छी नहीं लगेगी, बट आप चाहें तो अगर आपका टेस्ट है तो आप यूज़ कर सकते हैं, बट चटनी की जगह आप इस्तेमाल कीजिएगा पिज़्ज़ा सॉस।
ये बहुत कॉम्प्लीमेंट करता है स्टफिंग को। और पिज़्ज़ा सॉस की एक लेयर कर देने के बाद ऊपर आप लगा दीजिए ये स्टफिंग की एक लेयर, एंड देन वैसे ही इसको बंद कर दीजिए दूसरे स्लाइस से। स्लाइस के ऊपर हम लगाएंगे थोड़ा सा बटर और इसको कर लेंगे बहुत अच्छी तरह से ग्रिल। तो बस इसके साथ आ गए हम इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ आपने ये वीडियो एंजॉय किया है, आपको ये रेसिपीज़ पसंद आई हैं। आपको रेसिपी अच्छी लगी हैं तो इन्हें ज़रूर से ट्राई करना, ये सच में वर्थ ट्राइंग है। यू विल बी हैप्पी आफ्टर ट्राइंग देम। ज़रूर से खुद भी ट्राई कीजिएगा और शेयर कीजिएगा आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, दे विल बी हैप्पी टू। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, टेक केयर, बाय बाय।